हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो गाइस आज सुबह सुबह उठी तो फातिमा बाकी मेरे साथ और हया बोल रहे थे कि चलो कहीं चलते हैं, इतने दिन हो गए कहीं नहीं घूमे। फिर हम लोग सफारी पार्क के लिए तैयार हो गए। फातिमा भी माशाल्लाह से देखो इतनी प्यारी तैयार हो गई और हम लोग भी बस तैयार हो ही रहे थे, तो बस फातिमा पहले से तैयार होकर बैठ गई। इतनी खुशी थी जाने की, ये तो खुशी के मारे नाच रही थी। हम लोग को थोड़ा लेट हो गया तैयार होने में, पापा बस तैयार ही हो रहे हैं तो मैं भी बस अभी तैयार होने जा ही रहा हूँ। तो फातिमा लेकिन पहले से तैयार होकर बैठ गई, देखे नाच रही है, इतनी खुशी थी उसे जाने की माशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम सब लोग तैयार हो गए, हम लोग घर से निकल गए। फिर हमने लिफ्ट बुलाई, हम फौरन फातिमा और मैं, पहले फातिमा और मैं जो हैं जल्दी से लिफ्ट में चले गए। देखिए माशाल्लाह से खुद से सीढ़ियाँ उतर रही है, लेकिन उसे फिर मुश्किल आ रही थी, मैंने उसे पकड़ के नीचे उतार दिया। और देखिए इतनी खुशी आ रही है माशाल्लाह से बेचारी, क्योंकि इतनी तेज़ी से भागते हुए जा रही है गेट को। मैं आया, मैं उसे दरवाज़ा खोल के दे दिया। बाहर जाके पहले सोचा इससे कि इंतज़ार करती है पापा का, देखिए मुझे देखा भी उसके पापा को, मगर जो है फिर से भाग गए, जब भाग गई वो इतनी तेज़ी में माशाल्लाह। उसको इतनी खुशी थी डैनो पार्क, हम लोग सफारी पार्क जा रहे थे असल में, लेकिन डैनो पार्क फातिमा भी बाइक पर बैठ गई और फिर हम लोग डैनो पार्क भी हम लोग पहुँच गए। और फिर डैनो पार्क पहुँचने के बाद फातिमा चल चल के थक गई थी, पापा ने उसे गोद पर उठा लिया और पापा के साथ जो है गोद पर जाने लगी। और ये रेड टी शर्ट मेरा भाई साथ है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारा सफारी पार्क का। और ये जो पिंक टी शर्ट में जो है वो मेरी बहन हया है। और तकरीबन हम लोग फिर डैनो पार्क पे पहुंच गए। ये है माशाल्लाह से इतना खूबसूरत डैनो पार्क का गेट, और अंदर ये जो ब्लू ब्लू है ये है टिकट काउंटर, जहाँ पर यहाँ पर टिकट होती है, सही है। तो यहाँ पर पापा चले गए टिकट करवाने, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ये है अंदर से टिकट काउंटर, यहाँ पे पापा टिकट करवा रहे हैं। और फातिमा को लेकर जा रहा था डैनो पार्क पे, डायनासोर के पास, क्योंकि डायनासोर में डर रही थी। पापा फिर लेके गए उसका डर ख़त्म करने के लिए, इसको सर पे हाथ लगवाया, फिर डर ख़त्म करने के लिए उसको इस आँख पे लगाया। तो मतलब फिर डर नहीं रही थी, लेकिन जब पापा ने फिर उसको जबान पे हाथ लगवाया ना फातिमा डर गई, इतना डर गई कि बोली चलो। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ पार्क टू के लिए तो आप बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा तब तक बाय बाय, बस अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।